सार लिंगायत। ये लिंगायत शब्द कोई नया शब्द नहीं है, बहुत पुराना बुद्ध के समय का शब्द है, यानी शब्द है, वर्ड है। आप अगर जानते हैं और ध्यानते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा प्रचलन में एक शब्द है, पंचशील अंग, यानी पंचशील अंग या पंचशील अंग आयतन। इसमें जो पंच शब्द है उसका मतलब है पांच, सील का मतलब है जो अच्छा हमें अनुभव होता है, यानी जिसके बारे में कोई काम अगर हम करते हैं और काम करने में अगर वो काम सबके लिए अच्छा होता है तो उसको सील बोला जाता है, वो अवस्था है एक। और अंग माने होता है उसका पार्ट, यानी बहुत सारे सील हैं, उसका अंग हो गया, उसका पार्ट हो गया। और आयतन बोलते हैं खिड़की को, यानी दरवाजे को आयतन बोलते हैं पुरानी भाषा में, क्योंकि बुराइयों के आने के जो रास्ते हैं पूरी शरीर के अंदर, वो छह रास्ते हैं, छह खिड़कियां हैं, उनको छह आयतन बोलते हैं। एक है चक्षु आयतन, यानी आंख का आयतन, आंख से जो हम दृश्य देखते हैं उससे बुराई प्रवेश करती है। गंदी पिक्चर देखते हैं, खराब पिक्चर देखते हैं, या खराब कोई दृश्य देखते हैं, तो वो जो गंदगी है, जो खराब है, वो जो मन को हमारे खराब करती है, उसको चक्षु आयतन बोलते हैं। एक होता है घ्राण आयतन, यानी कि कान का आयतन, यानी कान में जो हम सुनते हैं, श्रोत आयतन हो गया, जो हम कान से सुनते हैं। एक हो गया कि नाक और नासिका का आयतन, यानी जो नाक में स्मेल जाती है खराब या अच्छी, उसको बोलते हैं। एक होता है फस आयतन, यानी कि स्पर्श आयतन, जो पूरे शरीर में कहीं भी टच आता है उसको हम बोलते हैं फस आयतन या स्पर्श आयतन। और इन सबको मिला के एक होता है जिह्वा आयतन। जिह्वा आयतन का मतलब है जो जीभ होती है उस पर जो हम स्वाद लेते हैं, एक उसका खिड़की होगी, उसका दरवाजा हो गया। और इन पांचों आयतनों को मिला के जो हमारा मन बनता है छठा, उसको बोलते हैं छठा आयतन, यानी कि मन का आयतन हो गया, चित्त आयतन हो गया, ये आयतन है। तो पूरा शब्द है पंचशील अंग आयतन। अब पंचशील अंग में से सबसे पहले पंच हटा तो शील अंग आयतन हुआ, फिर शील अंग आयतन में से शय हट गया, यानी शय हट गया तो हुआ लिंगायतन, लिंगायतन शब्द बना। और लिंगायतन में से बाद में ने भी साइलेंट हो गया, खत्म हो गया, तो बना लिंगायत। ये लिंगायत जो शब्द है, ये सारे वही पाली के पुराने लोग हैं जो पंचशील का पालन करते थे और अपने आप को कंट्रोल करके, ये जो पांच आयतन होते थे और छठा मन का आयतन, इनको कंट्रोल में रख के अपने आप को शुद्ध रखते थे और पाप को अंदर नहीं आने देते थे, बुराई को अंदर नहीं आने देते थे। अगर आप लिंगायत परिवार से मिलेंगे या लिंगायत लोगों से मिलेंगे तो आपको जान के हैरानी होगी कि पाली में विनय पिटक के जितने नियम हैं लगभग वो सारे, चाहे इस समय प्रैक्टिस में हो या ना हो, मगर वो सब जानते हैं। उनके परिवार जितने भी हैं अगर आप देखेंगे तो वो उन पाली भाषा के शब्दों को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, और चाहे वो जाने अनजाने में उसको समझ पाए ना पाए, मगर अगर आप थोड़ी सी भी पाली का अध्ययन करेंगे और उन तक पहुंचेंगे तो आपको ताज्जुब होगा कि विनय पिटक में, सुत्त पिटक में या अभिधम्म पिटक में जो बातें लिखी हुई हैं वो उनकी कल्चर से सेम टू सेम 100 की 100% मैच करती हैं। ये जो शब्द है लिंगायत, ये बहुत कमाल का शब्द है। सील सील अंग आयतन या पंचशील आयतन, पंचशील अंग आयतन लिंगायत से बना हुआ है। धन्यवाद।